वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करती है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब नेम से ही पता चल रहा है, पॉसिबिलिटी बताता है किसकी, प्रोडक्शन की। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इन शॉर्ट हम PPC और PPF भी बोलते हैं। तो PPC की डेफिनेशन क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कि PPC क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन हो। अब तुम कहोगे कि सिर्फ दो गुड़ का प्रोडक्शन, इकोनॉमी में दो से ज़्यादा गुड़ का प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल ठीक, इकोनॉमी में दो से ज़्यादा का गुड़ का प्रोडक्शन होता है, बट अगर हम यहाँ पर दो से ज़्यादा गुड़ का प्रोडक्शन लेके चलेंगे ना तो उसको रिप्रेजेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है हमारी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड़ का प्रोडक्शन होगा। अब वो दो गुड कोई भी गुड़ हो सकते हैं, वो वीट और राइस हो सकता है, गन और बटर हो सकता है, कंप्यूटर शर्ट हो सकता है, किसी भी दो गुड़ का प्रोडक्शन होगा। सेकंड इज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गिवन एंड कांस्टेंट, कि जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी वो गिवन है और कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड थर्ड इज फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उसका हम फुल और एफिशिएंट कि विदाउट एनी वेस्टेज जो है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक डॉक्टर है वो एक दिन में 4 ऑपरेशंस कर लेता है, और वहीं अगर उस डॉक्टर को किसी गारमेंट फैक्ट्री में अगर हम लगा दें, गारमेंट फैक्ट्री, तो वहां पर वो सिर्फ 1 शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। कि डॉक्टर ऑपरेशन करने में तो एफिशिएंट है बट शर्ट बनाने में एफिशिएंट नहीं है। कि जब हम किसी रिसोर्स को 1 यूज टू अनदर यूज ट्रांसफर करते हैं ना तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कि जहां वो 4 ऑपरेशन कर रहा था वहां वो 1 शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई 4 से 1 पर। और इसी की वजह से हम PPC को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं, कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक गुड का 1 यूज टू अनदर तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की। शिकी शेड्यूल है जो हमें दो गुड के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है। अब फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, वो है कंप्यूटर एंड शर्ट। कि तुमने फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो है कंप्यूटर की 21 यूनिट प्रोड्यूस करी। अब तुम्हारे दोस्त ने सोचा कि मैं शर्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। अब रिसोर्सेज तो सारे तुमने यूज़ कर लिए, तो वो तुम्हारे पास आया कि यार एक लेबर भेज दो, मुझे शर्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। अब दोस्त से भेजना तो पड़ेगा, बट तुम भी बहुत स्मार्ट, तुमने क्या करा कि जो भी लेबर थे ना उसमें जो सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा था तुमने उसको उसके पास भेजा। कि जो तुम्हारे यहाँ पर एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था उसने वहाँ पर जाकर भी क्या करा, एक शर्ट का प्रोडक्शन करा। अब उसने कहा यार एक और लेबर भेज दे, तो तुमने जो बचे हुए थे उसमें जो सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा था लेबर उसको उसके पास भेजा। कि जो यहाँ पर तुम्हारे यहाँ दो कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था वहाँ पर जाकर उसने एक शर्ट का प्रोडक्शन करा, फिर उसने कहा एक और लेबर, तुमने एक और भेजा, जो तुम्हारे यहाँ पर 3 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था उसने वहाँ पर जाकर एक शर्ट का प्रोडक्शन करा, फिर जो यहाँ पर 4 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था वहाँ पर एक शर्ट का प्रोडक्शन करा, जो यहाँ पर 5 शर्ट कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था वहाँ पर उसने एक शर्ट का प्रोडक्शन करा, और फिर तुम्हारे पास बच गया एंड में सबसे बढ़िया वाला लेबर जो 6 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था, उसने भी वहाँ पर जाकर एक शर्ट का प्रोडक्शन करा। कि जो लेबर कंप्यूटर बनाने में एफिशिएंट थे ना वो शर्ट बनाने में इतने एफिशिएंट नहीं है। कि जहाँ एक लेबर एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा है वो वहाँ पर भी एक का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर 3 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा है वो वहाँ पर भी एक का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो यहाँ पर 6 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा है वो एक शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। कि जो रिसोर्सेज जो है लेबर जो है वो कंप्यूटर में जितने एफिशिएंट बनाने में थे ना वो शर्ट बनाने में एफिशिएंट नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ से पता चल रही है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब आता है यहाँ पर
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानने से पहले जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हमारी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास रुपीस थे 100, अब मैं शॉप पर गई तो मुझे 100 रुपीस में पिज्ज़ा भी मिल रहा है और बर्गर भी मिल रहा है। अब दोनों को मेरा खाने का मन है पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मुझे एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ करा पिज्ज़ा, तो मैंने पिज्ज़ा को पाने के लिए नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव था बर्गर उसको फॉरगोन कर दिया, उसको छोड़ना पड़ा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास जॉब के लिए दो ऑफर हुए कि एज अ टीचर और एज अ जर्नलिस्ट। कि एज अ टीचर मेरे को मिल रही थी 40,000 रुपीज़ सैलरी एंड एज अ जर्नलिस्ट मिल रही थी मेरे को 30,000 रुपीज़ सैलरी। तो मैंने चूज़ करी टीचर की सैलरी कि मुझे टीचर की जॉब करनी है, तो मेरे को जर्नलिस्ट की जॉब छोड़नी पड़ी। अगर मैं टीचर की जॉब नहीं करती, एज अ टीचर नहीं होती, तो मैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरा क्या होता, मैं एज अ जर्नलिस्ट जॉब करती। कि जो मैंने एक को पाने के लिए नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन कर दिया, इसी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन को ही हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहाँ पर वो बर्गर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था और यहाँ पर मेरा जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि एक एडिशनल यूनिट के लिए मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। इकोनॉमी में कभी भी मार्जिनल वर्ड आए ना, तो मार्जिनल का वर्ड मतलब होता है एडिशनल की बात कर रहे हैं, वन एडिशनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक एडिशनल यूनिट शर्ट के लिए मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पर तुम कहोगे कि स्लैश क्यों डाला है, डैश क्यों डाला है, क्योंकि मुझे 21 से ऊपर नहीं पता कितनी यूनिट है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैंने कितना सैक्रिफाइस करा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, डैश डालते हैं। अब 21 से 20 पर जाने के लिए मुझे 1 का सैक्रिफाइस करना पड़ा एक शर्ट की गेन के लिए। अब यहाँ पर मुझे 2 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करना पड़ा एक शर्ट की गेन के लिए। तो हर एक एडिशनल यूनिट पर मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर 6 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करना पड़ा 1 एडिशनल यूनिट शर्ट की गेन करने के लिए। अब MRT क्या होता है, MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या होता है, रेशो होता है बिटवीन सैक्रिफाइस एंड गेन के बीच में, कि मैंने कितना सैक्रिफाइस करा एक एडिशनल यूनिट गेन के लिए। फर्स्ट में मैंने एक कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करा एक शर्ट की गेन के लिए, यहाँ पर 2 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करा एक शर्ट की गेन के लिए, 3 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करा एक शर्ट की गेन के लिए। तो रेशो हमारे आ गई 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, कि 6 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करा एक शर्ट की गेन के लिए। अब हम जब इन दो गुड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का फिगर मिलता है कि 21 पर 0 का प्रोडक्शन हो रहा है, 21 पर 0, 20 पर 1, 20 पर 1, 18 पर 2, 18 पर 2, 15 कंप्यूटर पर 3 शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, 15 पर 3, 11 पर 4, 11 पर 4, 6 पर 5, 6 पर 5 और 0 पर 6। तो कुछ इस तरीके का मुझे क्या मिला, ग्राफ मिला। इस ग्राफ की जो शेप आई है ना, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। अब मोस्टली स्टूडेंट को ना कॉनकेव और कॉनवैक्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो तुमने साइंस में पढ़ाई है कॉनकेव और कॉनवैक्स मिरर। फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, स्पून। तो स्पून के इनवर्ड जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, और जो आउटसाइड होता है उसको बोलते हैं कॉनवैक्स। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस ग्राफ का फेस ओरिजिन के तरफ होगा उसको हम बोलेंगे क्या,
कॉन्केव कि इनसाइड जो होगा, कॉन्वेक्स आता है जिस ग्राफ की बैक जो है ओरिजिन की तरफ होगी, आउटसाइड होगा उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। ठीक है, अब पीपीसी क्या शो करता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है किसके, दो गुड्स के। तो जितने भी पॉइंट्स हमारे पीपीसी पर होंगे, कोई भी पॉइंट, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, कोई भी पॉइंट इस पीपीसी पर होगा वो शो करेगा कि रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब पीपीसी के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और एक होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी होते हैं, और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो जो हमारे आउटसाइड पीपीसी होते हैं। कि कोई भी पॉइंट, मान लो ये और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, अटेनेबल हैं, इनको हम अटेन कर सकते हैं, बट जो भी पॉइंट पीपीसी पर होगा वो क्या शो करता है, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, बट जो भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी होगा वो शो करेगा कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, कि फुल एफिशिएंट नहीं हो रहा, कि पोटेंशियल तो है कि मैं इतना अचीव कर सकूं, बट किसी वेस्टेज की वजह से मैं इतना अचीव नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो लेस देन होगा पोटेंशियल आउटपुट से, कि पोटेंशियल तो मैं इतना आउटपुट अचीव कर सकूं, पर एक्चुअल में करा कितना है, इतना। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा पोटेंशियल तो है कि तुम एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सको, बट वेस्टेज कर देते हो तुम अपने टाइम का कहीं और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, तो तुम्हारा एक्चुअल जो है वो पोटेंशियल से कम रह जाता है। तो सेम यहाँ पर कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, वेस्टेज कर रहे हैं हम रिसोर्सेज की, तो जो हमारा एक्चुअल है ना वो पोटेंशियल से, जो हमारा पोटेंशियल था ऑन द पीपीसी उससे कम रह गया। बट दोनों ही पॉइंट क्या है, अटेनेबल, हम अटेन कर सकते हैं। बट अगर कोई पॉइंट हमारा है आउटसाइड पीपीसी, ये पॉइंट है मान लो कोई, तो इसको हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास कि मैं इस पॉइंट को अटेन कर सकूं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। फर्स्ट इज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो पीपीसी की स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है। पर क्यों करती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कि एक इनवर्स रिलेशन है। अगर मुझे शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कंप्यूटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सेकंड इज पीपीसी इज कॉन्केव शेप। हमने ये तो पढ़ा कि पीपीसी की जो शेप होती है वो कॉन्केव होती है, पर होती क्यों है, क्यों होती है, क्योंकि जो एमआरटी है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंक्रीज करता है। कि एक एडिशनल यूनिट के लिए जो मेरा सेक्रीफाइस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, कि नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, कि एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर हम MRT यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर एक स्लैश डला हुआ है। अब तुम कहोगे ये डैश क्यों डला हुआ है, क्यों डला हुआ है, क्योंकि 21 से ऊपर की मुझे क्वांटिटी नहीं पता, तो मैं चेंज कैसे निकालूँ कि कितना चेंज आया, कितना मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन आता है कि 0 से 1 एक शर्ट के गेन के लिए मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, 21 से 21 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करना पड़ा।
तो सेक्रीफाइस हुआ हमारा 1 का और गेन भी हुआ 1 का, तो रेशो आ गई क्या 1:1। देन आता है 1:2, एक शर्ट की गेन के लिए मुझे कितने कंप्यूटर का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 20:18 2 कंप्यूटर का सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो 2:1 रेशो आ गई 2:1। फिर आता है हमारा 2:3, 1 मोर एडिशनल यूनिट के लिए शर्ट की मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा 18:15 3 यूनिट्स का, तो 3:1 रेशो आ गई हमारी 3:1। तो जो सेक्रीफाइस है वो मेरा हर एडिशनल यूनिट शर्ट के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड, कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, कि जो लेबर कंप्यूटर बनाने में एफिशिएंट है वो शर्ट बनाने में एफिशिएंट नहीं है, कि जो लेबर एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था वो भी एक शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो लेबर 6 कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर रहा था वो भी एक शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। इसी वजह से जो MRT है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि जो हमारा सेक्रीफाइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी की वजह से जो हमारा PPC की जो शेप है वो कौन सी शेप आती है, कॉनकेव शेप। चेंज इन PPC में हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है ना वो क्या है, गिवन एंड कॉन्स्टेंट है, बट रियल में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट हो, उसमें चेंजेस आते हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होता है कि PPC में भी कुछ चेंजेस आते हैं, वो शिफ्ट भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। अब PPC में शिफ्ट कब आएगा, कि जब जिन दो गुड़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उन दोनों गुड़ की रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, और रोटेशन कब आएगा PPC में, जब जिन दो गुड़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उन दोनों गुड़ में से सिर्फ एक गुड़ के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट की, कि शिफ्ट दो तरीके का हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब PPC में राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन आ जाए, या फिर जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो सकते हैं, या तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, मान लो कोई न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो गया, या उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए, मान लो कि हमने लेबर की स्किल डेवलप कर दी। अब चाहे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आए, चाहे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो, दोनों से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो PPC जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा P2 to P1, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब आता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPC। अब PPC में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब या तो टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ जाए, या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए। अब रिसोर्सेज डिक्रीज कब होंगे, जब कि मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उससे क्या हो गया, रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो क्या हुआ इससे, कि या तो टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आए या रिसोर्सेज डिक्रीज हो, तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो PPC जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा P2 to P0, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन का बात है कि जिन दो गुड़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें से सिर्फ एक गुड़ के प्रोडक्शन में जो है रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस कि शर्ट की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंजेस आए। अब वो लेफ्ट राइटवर्ड रोटेशन भी हो सकती है और लेफ्टवर्ड रोटेशन भी हो सकती है। राइटवर्ड रोटेशन कब आएगी, कि जब टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन आ जाए या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए। तो PPC जो है हमारा एक्स एक्सिस पर राइटवर्ड रोटेट करेगा P2 to P1, राइटवर्ड रोटेशन। लेफ्टवर्ड रोटेशन कब करेगा, या तो कोई टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ जाए या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए। तो PPC जो है वो एक्स एक्सिस पर लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा P2 to P0, लेफ्टवर्ड रोटेशन। फिर आता है हमारा वाई एक्सिस पर रोटेशन हो रही है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। अब राइटवर्ड रोटेशन कब आएगी, कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन आ जाए। तो क्या होगा, जो हमारा PPC है वो वाई एक्सिस पर राइटवर्ड रोटेट होगा, P2 to P1, राइटवर्ड रोटेशन। और लेफ्टवर्ड रोटेशन कब होगा, कि जब रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी में कोई डिग्रेडेशन आ जाए, तो वो वाई एक्सिस पर
लेफ्टवर्ड रोटेट होगा पी पी टू पी पी जीरो लेफ्टवर्ड रोटेशन. कैन पी पी सी बी अ स्ट्रेट लाइन? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पी पी सी कनकेव शेप का होता है और हम कह रहे हैं कि क्या पी पी सी स्ट्रेट लाइन का हो सकता है. हो सकता है अगर हम एज्यूम करके चले कि एम आर टी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एम आर टी क्या होती है, स्लोप होती है पी पी सी की. कि मानकर चल रहे हैं कि एम आर टी कॉन्स्टेंट है, एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, कि हर रिसोर्स जो है वो हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट है. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक यूनिट का जब मैं गेन कर रही हूँ तो मुझे एक ही यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा गेन है वो इक्वल हो जाएगा सैक्रिफाइस के, कि जितना गेन है उतना ही मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सेकंड, कैन पीपीसी कन्वेक्स टू ओरिजिन? क्या पीपीसी कन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकता है? हाँ हो सकता है अगर हम एज्यूम करके चले कि एम आर टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कि एक एडिशनल यूनिट पर मेरा सेक्रीफाइस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. तो हमारा पी पी सी क्या बनेगा, कन्वेक्स शेप का बनेगा. सो गाइज, आज के लिए इतना ही. चैप्टर वन के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.